इस जियोपॉलिटिक्स मास्टर क्लास में हम इंडिया और मॉरिशियस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे और रिसेंटली डेवलप्ड अगलेगा प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस के बारे में भी जानेंगे। अगलेगा प्रोजेक्ट भारत के मैरीटाइम ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर डिस्कस करने से पहले मैप पर अगलेगा आइलैंड की लोकेशन देख लेते हैं। वेस्टर्न इंडियन ओशियन में आपको मेडागास्कर के ईस्ट में यह देश दिखाई देगा। ये आइलैंड नेशन मॉरिशियस है। मेनलैंड मॉरिशियस से लगभग 1000 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में आपको अगलेगा आइलैंड मिलेगा। इसी आइलैंड पर हाल ही में भारत और मॉरिशियस ने मिलकर एक जेटी और एक एयर स्ट्रिप इनॉग्रेट किया है। जेटी एक तरह का लंबा पतला सा स्ट्रक्चर होता है जो सी में एक्सटेंड करता है। ये स्ट्रॉन्ग करंट्स को इंटरप्ट करके कोस्ट को इरोजन से बचाता है। एक बैरियर की तरह खड़ा होके ये स्ट्रॉन्ग करंट्स के फोर्स को एब्जॉर्ब करता है, जिससे करंट्स वीकेन हो जाते हैं और उनकी इरोडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। साथ ही इससे कोस्ट के नजदीक का पानी शांत हो जाता है, जिससे बोट्स इजीली डॉक कर पाती हैं। अभी जो भारत और मॉरिशियस ने मिलकर हार्बर बनाया है वो बड़े शिप्स को भी हैंडल कर सकता है। जाहिर है इससे सराउंडिंग वाटर्स में मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स से बेहतर ढंग से डील किया जा सकेगा। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में सहूलियत होगी और रिस्पांस टाइम भी कम होगा। वेस्टर्न इंडियन ओशियन में सर्वेलेंस रीच और मैरीटाइम एक्टिविटी की मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी। एयर स्ट्रिप से हम जानते ही हैं एयरप्लेन्स टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। 2015 में भारत और मॉरिशियस ने अगलेगा आइलैंड को डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया था। इस आइलैंड पर एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी जिसमें कोस्ट गार्ड के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते थे। MOU के अनुसार भारत और मॉरिशियस को इस छोटी सी एयर स्ट्रिप को फुल लेंथ एयरफील्ड में डेवलप करना था, ताकि यहाँ पर बड़े प्लेन्स को लैंड करवाया जा सके। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबी अपग्रेडेड एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो चुकी है, जहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट्स को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इससे मैरीटाइम पेट्रोल अच्छे से किया जा सकेगा। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ने से रीजन में इलीगल एक्टिविटीज को रोका जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, पायरेसी, टेररिज्म, नार्कोटिक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्सेट्रा। अगलेगा आइलैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। अगलेगा प्रोजेक्ट नॉर्थ आइलैंड पर डेवलप किया गया है। जेटी और एयर स्ट्रिप के अलावा यहाँ पर सिविलियन प्रोजेक्ट्स जैसे स्कूल और हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो चुके हैं। इंडिया ने इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मॉरिशियस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। 8 सालों में यह आइलैंड पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इस आइलैंड की मेनलैंड मॉरिशियस से कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होती हैं। कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जैसी एक्टिविटीज के लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेटर कनेक्टिविटी मतलब बेटर ट्रांसपोर्टेशन। बेटर ट्रांसपोर्टेशन से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होती हैं। तो इस प्रोजेक्ट से अगलेगा आइलैंड पर सी एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा, जो मॉरिशियस को अपने डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने में हेल्प करेगा। भारत और मॉरिशियस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 23 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशियन को बॉर्डर करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, साइंटिफिक कोऑपरेशन, टूरिज्म एक्सेट्रा में फोकस करता है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स मॉरिशियस में हैं। भारत और मॉरिशियस का इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच ट्रेड में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2022-23 में भारत और मॉरिशियस के बीच $550 मिलियन से ज्यादा का ट्रेड हुआ था। भारत मॉरिशियस को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करता है। भारत ने मॉरिशियस को हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, इंटरसेप्टर बोट्स एक्सेट्रा प्रोवाइड किए हैं और कोस्टल सर्वेलेंस के लिए रडार सेटअप करने के लिए सपोर्ट किया है। भारत के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस और नॉलेज शेयरिंग से मॉरिशियन डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटीज और रीच बढ़ेगी। मॉरिशियस ने क्लियर किया है कि वो आइलैंड पर अपनी सोवेरेनिटी गिव अप नहीं कर रहा है। ये कोई इंडियन मिलिट्री बेस नहीं बन जाएगा। भारत दूसरे देशों के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करता है।
मॉरिशियस के साथ भारत के स्ट्रॉन्ग कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं। मॉरिशियस की आधी से ज्यादा आबादी के इंडियन रूट्स हैं। एक टाइम पर मॉरिशियस स्लेव प्लांटेशन कॉलोनी हुआ करती थी। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश भारत से लेबरर्स को शुगर प्लांटेशंस में काम करने के लिए मॉरिशियस लाए थे। प्रेजेंटली इंडियन यहाँ लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप हैं। हिंदुइज्म मॉरिशियस का डोमिनेंट रिलीजन है। मॉरिशियस के करंट प्राइम मिनिस्टर श्री प्रविंद कुमार जगनॉथ भी हिंदू हैं। हिंदुइज्म के बाद है क्रिश्चियनिटी और फिर है इस्लाम। स्ट्रॉन्ग कल्चरल और हिस्टोरिकल कनेक्शंस होने से दोनों देशों का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। मॉरिशियस भारत की जन औषधि स्कीम ज्वाइन करने वाला पहला देश बन गया है। जन औषधि स्कीम भारत का एक इनिशिएटिव है। इसके थ्रू भारत अफोर्डेबल प्राइसेस पर क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। यह मॉरिशियस के लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। फर्दर मॉरिशियस में भारत के UPI और रुपे कार्ड सर्विसेज शुरू हो गई हैं। भारत और मॉरिशियस की हिस्टोरिकल टाइज डिजिटल कनेक्टिविटी से और मजबूत होंगी। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मॉरिशियस एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। इसका कारण है इंडियन ओशियन में मॉरिशियस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मॉरिशियस के साथ कोलैबोरेट करके भारत रीजन को मॉनिटर कर सकता है और अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड कर सकता है। इंडियन ओशियन रीजन में रीच बढ़ने से भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज को लीड कर सकता है। इंडियन ओशियन रीजन की बढ़ती जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस और रीजन में अपने हाई स्ट्रेटेजिक स्टेक्स को देखते हुए 2015 में भारत ने सागर विजन लॉन्च किया था। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस इनिशिएटिव का फाउंडेशन है इंडियन ओशियन रीजन में मैरिटाइम कोऑपरेशन। मॉरिशियस, सेशेल्स एंड इवन मडागास्कर जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करना, उनको डेवलपमेंटल असिस्टेंस देना, मरीन रिसोर्सेज के रिस्पॉन्सिबल यूज को प्रमोट करना, ये सब भारत के सागर इनिशिएटिव के अंदर आता है। मैरिटाइम कोऑपरेशन से सभी कंट्रीज को बेनिफिट होगा और इंडियन ओशियन रीजन सिक्योर और प्रॉस्पेरस बनेगा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि भारत अपने ऑलमोस्ट 90% इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए इंडियन ओशियन पर निर्भर है। इंडियन ओशियन रीजन में चाइना की असर्टिवनेस बढ़ रही है और इस रीजन की कंट्रीज चाइना की गनबोट डिप्लोमेसी की विक्टिम बन सकती हैं। गनबोट डिप्लोमेसी एक तरह की फॉरेन पॉलिसी है जिसमें एक पावरफुल कंट्री रिलेटिवली वीकर कंट्री को अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करती है, जैसे फेवरेबल ट्रेड अग्रीमेंट साइन करवाना, रिसोर्सेज की एक्सेस गेन करना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना एक्सेट्रा। अपनी मिलिट्री फोर्स के दम पर पावरफुल कंट्री छोटे नेशन को इंटिमिडेट करती हैं। इसका एग्जांपल है साउथ चाइना सी में चाइना का बिहेवियर। वहां पर चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज करके अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहता है। इंटरनेशनल लॉ को कम्प्लीटली डिसरिगार्ड करके चाइना वहां पर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, अन्य देशों की फिशिंग बोट्स को हैरास करता है, मिलिट्री फैसिलिटीज बनाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाता है, नए नए मैप्स निकाल के ऑलमोस्ट एंटायर एरिया को इंक्लूडिंग रिसोर्सेज रिच आइलैंड्स को क्लेम करता है। इसी तरह से चाइना तेजी से इंडियन ओशियन रीजन में अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है और यहाँ के देशों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मालदीव्स के केस से तो आप अवेयर ही होंगे। चाइना के इन्फ्लुएंस में मालदीव्स एंटी इंडिया स्टांस ले रहा है। चाइना और यूरोप के बीच में इंडियन ओशियन मेन ट्रेडिंग रूट है, इसलिए चाइना इंडियन ओशियन कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिक और ट्रेड पार्टनरशिप को कल्टीवेट कर रहा है और यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए मिलिट्री प्रेजेंस को कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। अगर आप चाइना की मलक्का डिलेमा के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से चाइना ट्रेड के लिए मलक्का स्ट्रेट पर डिपेंडेंट है। इसको मैंने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि क्यों चाइना इंडियन ओशियन रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहता है। इंडियन ओशियन में इन 6 आइलैंड्स की बात करें, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, मडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स, तो यहाँ पर चाइना ही एकमात्र देश है जिसकी इन सभी 6 आइलैंड नेशंस में एम्बेसी है। इवन इंडिया, फ्रांस, US एंड UK की भी प्रेजेंटली सभी 6 देश में एम्बेसी नहीं है। इसको हम चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी से कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसके अंदर चाइना इंडियन ओशियन में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर पोर्ट्स, मिलिट्री बेसेस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है, जिससे वह यहाँ पर इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस कर सके।
अपने वाइटल ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट कर सके, क्रूशियल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके और अपने ग्लोबल सुपर पावर के एम्बिशंस को पूरा कर सके। इसके रिस्पांस में इंडिया की स्ट्रेटजी है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इसमें इंडिया रीजन के कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करता है, ट्रेड टाइज स्ट्रेंथन करता है, पायरेसी और टेररिज्म जैसे कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस करता है और देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करता है ताकि चाइना की गनबोट डिप्लोमेसी और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जैसी इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स से कंट्रीज को बचा सके और रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले कर सके। चाहे लक्षद्वीप पर रिसेंटली कमीशन नेवल बेस INS जटायु हो या अंडमान्स पर नेवल एयर फैसिलिटी INS कुहासा या फिर मॉरिशस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारत ये इंश्योर कर रहा है कि वो इंडियन ओशियन में एक इन्फ्लुएंशियल ब्लू वाटर पार बनकर उभरे।